हेलो दोस्तों, अभी मैं लंच करने बैठा हूँ। सुबह मैं काफ़ी लेट से उठा था, आपको बता। हम माइक्रोबस में बैठ गए, अभी हम जा रहे हैं स्टेनली ब्रिज की तरफ। सुबह लंच करने दोपहर को लंच करने के बाद मैं थोड़ा सो गया था, तो उठने में थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए अभी शाम हो गया। तो अभी हम रात का जो नज़ारे हैं, शाम का जो नज़ारे हैं यहाँ पे, वही देखने के लिए जा रहे हैं। निकल चुके हैं अभी स्टेनली ब्रिज की तरफ, अभी जा रहे हैं, तो जाते जाते आपको सब भी दिखाते हैं। अपना मुंबई में जो मेरिन ड्राइव है, ऐसे ही है, समुंदर के किनारे से पूरा हाईवे है, तो उसी से हम अभी जा रहे हैं माइक्रोबस पकड़ के। तो काफ़ी शानदार है नज़ारा, अच्छा लग रहा है रात का नज़ारा। रात को घूमने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है, दिन का जो रहता है वहाँ पे इतना खूबसूरत नज़ारा नहीं आता है। रात को जो नज़ारा देखने को मिलता है इजिप्ट में, कायरो और अलेक्जेंड्रिया का नाइट लाइफ बहुत ही शानदार है। यहाँ पे 12 एक बजे तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इतनी रात तक घूम रहे हैं। अभी आपको दिखाई दे रहा है किनारे पे बहुत सारे कॉफ़ी शॉप है ये बहुत, और यहाँ पे लोग अब देख सकते हैं, लोग भी इतना भरा हुआ रहता है, मतलब आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। रात को 2-3 बजे तक भी आपको लगेगा कि अभी अभी शाम हुआ है। तो इजिप्ट का ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा, खास करके कायरो और अलेक्स का जो नाइट लाइफ है ये बहुत ही शानदार है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पीछे जो काला जो दिख रहा है, ये बिल्कुल समुंदर के किनारे से हम जा रहे हैं। यहाँ पे आपको जो दो खंभा दिखाई दे रहा है, ये दोनों ये स्टेनली ब्रिज के बहुत ही करीब है, हम लोग पहुँचने ही वाले हैं अभी। ये स्टेनली ब्रिज का ही नज़ारा है, सामने ही है, कुछ ही देर में हम पहुँच गए दोस्तों। अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे स्टेनली ब्रिज के बिल्कुल पास ही खड़े हैं। ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा, मैं बिल्कुल वहाँ पर ही खड़ा हूँ। यहाँ का रात का जो नज़रिया है बहुत ही खूबसूरत है, और ये इजिप्ट का और अपना अलेक्जेंड्रिया का बहुत ही फेमस एक ब्रिज है। यहाँ पे लोग बहुत सारे लोग घूमने को आते हैं, क्योंकि इसका जो व्यू है वो बहुत बहुत ही अच्छा नज़र आता है। शाम के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ का जो नज़रिया है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और ख़ास करके रात के टाइम यहाँ का जो लाइट का जो नज़रिया है वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। आपको भी शायद दिख रहा होगा पीछे, बहुत ही शानदार है। और यहाँ पे अभी शाम के टाइम पे बहुत ही खचाखच लोग भरा हुआ रहता है, बहुत सारे लोग जो है वो ज़्यादातर शाम के टाइम पे आते हैं, क्योंकि शाम के टाइम का जो नज़रिया है वो कुछ अलग ही दिखता है। तो आप भी देख सकते हैं, ये बिल्कुल मैं पीछे ही खड़ा हूँ। तो चलिए अभी हम ब्रिज के ऊपर भी चलते हैं, और साइड का जो व्यू है वो भी दिखाते हैं आपको, वहाँ का क्या नज़ारा है क्या है आपको दिखाते हैं। चलिए फिर अंदर चलते हैं। तो जैसे कि दोस्तों अब हम आपको ये नज़दीक से भी दिखा रहा है, ये यहाँ पे जाने का जो रास्ता जो है, ये रास्ता जो है यहाँ से एक ही तरफ जाने का है, और आने का जो है वो दूसरी तरफ है, वो आपको दिखाई दे रहा है शायद वहाँ पे, वो जो है वो आने का रास्ता अलग है, और ये ब्रिज के ऊपर से जाने का जो रास्ता है ये एक ही तरफ रखा हुआ है। ये स्टेनली ब्रिज का जस्ट नीचे से जो समुंदर का पानी है आप देख सकते हैं, यहाँ पे लाजवाब दिखाई दे रहा है, बिल्कुल कांच की तरह है। नीचे का पत्थर भी दिखाई दे रहा है, बहुत शानदार नज़ारा है।
यहाँ पे लोग मछली पकड़ रहे हैं। ओ ये क्या गंबारी, यहाँ पे गंबारी बोलते हैं इसको। ये समुंदर में ये ब्रिज के किनारे कुछ लोग मछली भी पकड़ रहे हैं। यहाँ पे चने की दुकान, मुंबई में जैसे लोग चौपाटी में घूमने जाते हैं तो हम लोग भी वहाँ पे चने बादाम कुछ खाते हैं, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिला कि यहाँ पे भी ऐसे ठेला लगा के घूमते हैं लोग। दोस्तों अभी हम पहले हम रोड के उस तरफ थे, अभी हम रोड के इस तरफ आ गए जहाँ से मैं आपको व्यू दिखाया था कि इस तरफ से एक रोड है, वो देखिए नीचे स्विमिंग पूल टाइप का दिख रहा है लेकिन ये स्विमिंग पूल नहीं है, ये उस तरफ से पीछे की तरफ से वहाँ से ये नीचे से आके यहाँ पे यहाँ तक आता है और वहाँ से आप देख सकते हैं ये और आगे निकल चुका है। और यहाँ पे जो आपको छोटा छोटा जो दुकान के टाइप दिख रहा है, यहाँ पे छोटा छोटा मॉल है और छोटा छोटा यहाँ पे कैफ़ी शॉप है, बहुत सारा कैफ़ी शॉप है। पहले यहाँ पे खुला हुआ रहता था, फिलहाल अभी नहीं दिख रहा है, शायद बंद है कोरोना के वजह से, क्योंकि यहाँ पे कोरोना के वजह से बहुत सारा बीच भी बंद है। और ये देखिए ये लाइन से आपको दिख रहा है शायद, ये सब बंद है अभी। एक और चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपको सीढ़ी, यहाँ से देखिए ऊपर से यहाँ तक बीच में आके आप बैठ सकते हैं, कॉफ़ी शॉप टाइप का ही है। यहाँ पे दोनों तरफ पानी है, नीचे पानी है और ऊपर से ऐसे ब्रिज टाइप का किया हुआ है यहाँ तक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हम भी जाएंगे थोड़ी देर में एक कॉफ़ी शॉप में बैठेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारा कॉफ़ी शॉप है, एक्सपेंसिव भी है और लो प्राइस भी है, तो हम उतने एक्सपेंसिव नहीं जाएंगे, चाहे आप तो जा सकते, तो हम अभी जाएंगे सस्ते में कहाँ पे अच्छा टिकाऊ मिलेगा वहीं पे हम जाएंगे। यहाँ का जो नज़रिया है ये बहुत ही बेहतरीन है, कुछ अलग ही दिख रहा है यहाँ से, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। हम अभी यहाँ से निकलने वाले और जाने वाले हैं कॉफ़ी शॉप में, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कॉफ़ी शॉप में और दिखाते हैं वहाँ का भी नज़ारा क्या है। कॉफ़ी शॉप अभी पूरा खाली दिखाई दे रहा है, ऐसे तो यहाँ पे ये टाइम पे खाली दिखाई नहीं देता, हम आए थे यहाँ पे कॉफ़ी शॉप पे, मिला नहीं, मतलब अभी बंद होने वाला है, इसीलिए हम अभी दुकान से कुछ ले लिए, एक कॉफ़ी लिया और कुछ बिस्किट वगैरह लिया और हम घर पे जाएंगे, घर पे जाके बनाएंगे, बना के फिर पीने वाले। और आपको मैं दिखाया था मेरा जो रूम लिया, यही एक बहुत बड़ा खासियत है, वहाँ पे किचन भी है तो मैं खुद अपने हाथों से बना के पीने वाला हूँ और वो भी आपको दिखाने वाला हूँ कैसे क्या बना रहा हूँ किचन में जाके। तो अभी मैं घर की तरफ ही जा रहा हूँ, ये देखिए पूरा रास्ते पे खाली दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लोग पूरा खाली है, कोई नहीं है, पूरा खाली है, यहाँ पे पूरा खाली है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, ये देखिए पूरा खाली दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अभी हम घर पे जाते हैं, घर पे जाके फिर बात करते हैं आपसे। दोस्तों अभी हम किचन रूम में हैं, यहाँ पे ये कॉफ़ी बन रहा है, ये कॉफ़ी बन रहा है, मैं आपको बोल रहा था कॉफ़ी लेके आया, ये ब्लैक कॉफ़ी लेके आया मैं, तो ये पीने के बाद शायद थोड़ा थकान दूर हो सकता है, इसके लिए मैं लेके आया, ये बनने को आया है। तो और ये मैं छोटा सा कप भी रेडी किया, यहाँ पे सब कुछ है, ये रूम लेके मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। ये मेरा कॉफ़ी बन गया अभी,
यहाँ पे ये जबरदस्त तैयार है कॉफी। हम अभी बैल्कनी में जाएंगे, फिर वहाँ पे बैठ के आपसे बात करते हैं। दोस्तों अभी हम खड़े हैं बैल्कनी पे, ये रात का नज़ारा आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये रूम लेके मुझे एक अच्छा चीज़ हुआ कि यहाँ से जो व्यू है जो है ये बहुत शानदार है। ये पीछे जो मैंने आपको सवेरे दिखाया था, ये पीछे समुंदर है, अभी जो ब्लैक दिख रहा है अभी अंधेरे की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है। और ये यहाँ से यहाँ का जो व्यू है वो भी मैंने आपको दिखाया था, बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है। आज का दिन लगभग अच्छा ही गया। और बीच में मैं आप लोगों को एक बात बोलना भूल गया, जब मैं कॉफ़ी शॉप में जा रहा था तो वहाँ पे रास्ते पे एक बच्ची का एक्सीडेंट हो गया, देखा बहुत बुरा लगा। वो मुझे पूरा दिन का वो एंड में मुझे वही बहुत बुरा लगा। फिर वहाँ पे बहुत भीड़ जमा हुआ था, फिर एम्बुलेंस आया, वो लोग लेके गए। यहाँ पे जो लोग जो गाड़ी जो चलाते हैं ना बहुत ही तेज़ चलाते हैं और बहुत ही गंदे तरीके से चलाते हैं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता यहाँ पे। और रात में बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। तो मेरे हाथ में अभी ब्लैक कॉफ़ी है, ये अभी हम इसे पीने के बाद थोड़ा थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे, फिर जाएंगे सोने के लिए। तो दोस्तों मेरा कॉफ़ी अभी ख़त्म हो गया, अभी मैं सोने जा रहा हूँ, बहुत थकान लग रहा है। तो आज का पूरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, टाटा बाय बाय, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, टाटा बाय बाय। यहाँ पे चारों तरफ आपको जहाँ जहाँ वो पेड़ दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम ये खजूर का पेड़ है। जो लोग यहाँ पे वो खजूर तोड़ रहा था वो लोगों ने मुझे एक खजूर दिया खाने को। All right, all right.